नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर स्टेटेड लो ओके देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर स्टेटेड, ठीक है, क्या मीनिंग है इसमें कि फॉर्मर जो आरबीआई के जो गवर्नर है, जो हमारे यहाँ के फॉर्मर गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने क्या स्टेट किया, दैट यहाँ पे दैट अवॉइड भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, स्टेटेड भी लिख सकते हो डायरेक्ट ग्लोबल और स्टेटेड दैट भी लिख सकते हो, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या स्टेट किया उन्होंने कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब जो ग्लोबली जो रिकवरी है, जो डेट्स है उसकी जो वापस जो रिकवरी होनी है, कुड बी वो डैश होने वाली है, ठीक है। कैसे, कब, क्यों होने वाली है, यदि इफ द ट्रेड वॉर, जो वॉर चल रहा है, ठीक है, ट्रेड वॉर चल रहा है किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो चल रहा है वो एस्केलेट होता है। दोस्तों ये एस्केलेट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, उरी के मूवी में भी एस्केलेट का नाम आया। अभी एस्केलेशन का मतलब बढ़ना, ठीक है, जब वॉर इंक्रीज हो जाना, जब तेज हो जाना उसकी गति, उसको एस्केलेट बोलते हैं। चलिए अब इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि ये किस सेंस में जा रहा है हमारा क्वेश्चन। देखो द आरबीआई गवर्नर ही स्टेटेड दैट ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो क्या हो सकती है यदि दोनों के बीच में वॉर हुआ। तो अब जाहिर सी बात है, देखो किसी दो देशों के बीच में वॉर होगा तो उस कंडीशन में आपकी जो परिस्थिति है, जो अर्थ आपका जो ये है आर्थिक स्थिति है, वो तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, बढ़ेगी तो नहीं भाई। जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे जाती है। इसका मतलब क्या है ये दोस्तों, ये आपका नेगेटिव सेंस है, ठीक। सेंस हमको पता चल गया कि ब्लैंक हमारा नेगेटिव सेंस का है। फिर देखो आपकी क्या है, वो नाउन है, प्रनाउन है, एडवर्ब है, क्या है वो, वर्ब है। तो देखो कुड बी कभी भी होता है, जैसे कुड बी आपका क्या है, कुड बी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, कुछ भी उसको बोल लो आप। और उसके बाद वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है दोस्तों, वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई, एक तो वो नेगेटिव, दूसरा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा हिट, हिट मतलब बिल्कुल हिट करना उसको। देखो हिट के मीनिंग होते हैं, एक तो हिट वाला हिट जो अपन उसको मारते हैं किसी को, हिट करना वो भी होता है, और एक हिट का मतलब होता है बहुत ही बैडली अफेक्टेड, ठीक है। हिट का मतलब क्या होता है कि बैडली अफेक्टेड, है ना, तो बैडली अफेक्टेड। तो देखो ये सीधी सी बात है, बैडली अफेक्टेड ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है भाई, बुरी तरह से अफेक्ट होना नेगेटिव सेंस का वर्ड है। दूसरा ये देखो हिट का जो थर्ड फॉर्म है वो भी हिट ही होता है, हिट हिट हिट, हिट का जो है वो हिट ही रहता है, मतलब ये V3 में भी है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो चलो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं अफेक्टेड, ठीक है, तो अफेक्टेड जो है अफेक्टेड, और ये भी इसका मतलब भी अफेक्टेड होता है, बैडली अफेक्टेड, ठीक है, उससे असर पड़ने वाला है, किस पे, हमारी जो रिकवरी है उस पर असर पड़ने वाला है, वो अफेक्ट होने वाला है। तो बिल्कुल ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, अफेक्टेड करेक्ट है, वर्ब का V3 है, थर्ड फॉर्म है, और ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। तो बी वाला भी अभी तक हमारा राइट है। स्टैग्नेट का मतलब होता है अटक जाना, ठीक है, एकदम स्टॉप हो जाना, बिल्कुल मूव नहीं करना। देखो क्या होता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ ऐसा आपकी जो अर्थव्यवस्था है या जो बिजनेस है वो पूरी तरह से हॉल्ट हो जाए, मतलब पूरी तरह से स्टॉप हो जाए, बिल्कुल चले ही नहीं, लोग बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे, तो इस तरीके से तो होगा नहीं भाई, वो स्लो जरूर हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से स्टैग्नेंट, पूरी ठप जो है पूरी तरह से ख़त्म वो नहीं होगी। तो ये भले ही आपका नेगेटिव वर्ड है, लेकिन दूसरा जो है ये आपका कुड बी स्टैग्नेट, तो ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वैसे ही इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म है, हमको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वैसे ही इसको ये हमारा आउट ऑफ दी टॉपिक वो हो गया, आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है एग्जूबरेंट, एग्जूबरेंट मतलब बहुत ही लैविश, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार, लैविश, एग्जूबरेंट, बहुत ही बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
मतलब ये तो पॉजिटिव सेंस का हो गया आपका, है ना, पॉजिटिव सेंस का वर्ड हो गया। यहाँ पे हमको कोई ऐसा तो होगा नहीं यार कि ये जो ग्लोबल रिकवरी है वो बहुत लैविश हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, बहुत चकाचौंध हो जाएगी, बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ऐसा तो होना है नहीं। तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत। हमारा आंसर क्या है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। क्लियर हुआ बात, समझ में आई भाई? ऐसा है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, कॉपी करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे, जो क्वेश्चंस हैं फिलर्स हम जो भी करते आ रहे हैं, ये सब आपके एसएससी, आपके बैंकिंग, ऑल बैंकिंग, जितने भी आपकी बैंकिंग जो है, ऑल बैंकिंग में आता है, आपके क्लर्क में आता है, ठीक है, आपके आरबीआई में आता है, सब में ये फिलर्स आते हैं। 5 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करते हैं दोस्तों? 5 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाओ, कॉपी करते जाओ, बार बार वीडियोस को रिवाइंड करके देखते जाओ। नेक्स्ट 14 देखते हैं, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही, एक तो वॉर जो युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और जियोपॉलिटिकल मतलब कोई प्लेस स्पेसिफिक, कोई जगह, है ना, जियोपॉलिटिकल मतलब एक जगह स्पेसिफिक, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान घाटी में जो भी इश्यूज हो रहे हैं, वो जियो स्पेसिफिक या आप जियो पॉलिटिकल उसको बोल सकते हो। कोई एक प्लेस स्पेसिफिक जगह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है सारे, उन्होंने क्या करा, देखो दोस्तों, हैव आ गया, मतलब ये आपका परफेक्ट का सेंटेंस है ना, ये पूरा हम मान लेते हैं हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये हैव आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जाहिर सी बात है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। भाई वर्ब का कौन सा फॉर्म आना है इधर? थर्ड फॉर्म आना है। क्लियर हो रही है? देखो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरी मेरे साथ रहो, पूरा ध्यान से जो मैं बताता हूँ उसको समझो, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ट्रिक से और बहुत अप्रोच से, अप्रोचेबल तरीके से, आप देखो मेरा अप्रोच किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद देखो ये सीधी सी बात है भाई, हैव आया तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमको पता चल गई, और इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपन। हैव डैश थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये जो वॉर है, ठीक है, जो झगड़े हैं, युद्ध है, या जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, इन्होंने डैश करा, है ना, पूरे संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री में। मतलब देखो सीधी सी बात है कि जब कहीं युद्ध होता है, कहीं इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो कोई एक इतिहास के लिए कोई बहुत ही सुनहरा पन्ना तो होता नहीं है भाई। अभी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वो कोई उसमें लोग खुशियां तो मनाते नहीं हर साल की, भाई उसकी वो होती है एनिवर्सरी विश्व युद्ध की, वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो चलो फंक्शन मनाओ, पार्टी करो, ऐसा तो करते नहीं, दुखी मनाते हैं, ठीक है। तो वो एक क्या, ये जो लड़ाई झगड़े जो हैं, ये एक इतिहास के लिए एक गलत, रॉन्ग, नेगेटिव आपका एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ये जो भी हमारा ब्लैंक होगा, जो भी हमारा वर्ब होगा, वो कौन से सेंस का होगा दोस्तों? जी हाँ, नेगेटिव सेंस का होगा, ठीक है। तो देखो आप, पहले हम देख लो कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलते आना, ठीक है। तो कंटिन्यूस तो आपका क्या हो गया, ये तो एडजेक्टिव है भाई, कंटिन्यूस जर्नी, कंटिन्यूस, ठीक है। तो कंटिन्यूस आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और लगातार आगे बढ़ते रहना, तो ये पॉजिटिव सेंस भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है। परसिस्टेंट जो होता है, इसका मतलब भी होता है कि कंटिन्यू होना या प्रोग्रेसिव होना, ठीक है, प्रोग्रेसिव इसका मीनिंग निकल के आता है, प्रोग्रेसिव। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या है, आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक। फिर है हमारा परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, टेड जो लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कौन से सेंस का क्वेश्चन है, ये भी आपका नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। परसिस्टेंट क्या लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है। अब परसिस्टेंट जो है, इसका मीनिंग भी अगर हम देखें, तो ये भी लगातार या कंटिन्यू के सेंस में आता है, कंटिन्यू, ठीक है, या फिर मूवेबल, प्रोग्रेसिव, फ्लोरिशिंग, है ना, मतलब
हैव डैश थ्रू आउट द पॉलिटिकल हैव थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो ये परसिस्टेंट के सेंस में आ रहा है। फिर लास्ट हमारा है कैरेक्टराइज्ड, तो कैरेक्टराइज का यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि कई क्लासिफिकेशन से उसका मीनिंग आ रहा है। अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे मीनिंग में जाना पड़ेगा इसके, देखो मीनिंग में कैसे जाना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड हमारा फिट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये भी आपका V3 है, ठीक है, और ये भी आपका V3 है, ठीक है, लेकिन और सीज का मतलब होता है एकदम स्टॉप्ड। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड होता है, तो स्टॉप्ड होता है, सीज्ड होता है, लेकिन हम ये पॉजिटिव नेगेटिव से पता नहीं कर पाएंगे, इसके मीनिंग से देखना पड़ेगा। देखो एक तो एडजेक्टिव है, तो ये तो पूरा क्रॉस आउट हो गया, ये तो हमारे रेस में नहीं है। ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये भी क्रॉस आउट हो गया। अब तीन है हमारे पास ऑप्शन, एक तो है क्या परसिस्टेंट, फिर कैरेक्टराइज्ड और फिर सीज्ड। तो पहले हम देख लेते हैं एक एक को पुट करके। वॉर एंड जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने क्या हैव परसिस्टेंट थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब चलते आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि जो वॉर्स है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इतिहास में परसिस्ट होते आ रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसी बड़ी चेंज होती है, जब भी एक देश जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस करने जाता है, तो दूसरे जो दो महाशक्ति, एक महाशक्ति थोड़ी अगर आगे निकल जाती है रेस में, तो दूसरी महाशक्तियाँ जो है अलग गुट वाली, वो एकजुट होकर उस महाशक्ति को पीछे करने की कोशिश करती है। जैसे पूरी टाइम पे अमेरिका का दबदबा था, अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चाइना जो है उसकी शक्ति भी अपनी बढ़ती जा रही है। अगर चाइना की शक्ति बढ़ी है तो अमेरिका भी फिर अपनी शक्ति बढ़ाएगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट जो होना है, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है कि इतिहास में ये चलता आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही हो सकता है ये आपका, ठीक है भाई। मीनिंग एक तो नेगेटिव सेंस में मीनिंग जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ ना नेगेटिव सेंस में मीनिंग नहीं जा रहा है हमारा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये भी हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं अच्छा न्यूज़ लेके नहीं आएगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मीनिंग कुछ और जा रहा है, क्योंकि वर्ड अपने पास दूसरे हैं। मीनिंग यूँ जा रहा है कि कंटिन्यूटी के ऊपर मीनिंग जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चलती आ रही है, ये इतिहास में ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये परसिस्टेड एकदम फिट बैठ रहा है, कंटिन्यू। दूसरा देखो कैरेक्टराइज्ड, इसको देख लेते हैं। तो देखो वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैव कैरेक्टराइज्ड थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री, कैरेक्टराइज मतलब क्लासिफाइड। तो यार ये बताओ कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में इनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है, कहाँ होता है ना वॉर्स और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको अलग अलग कैरेक्टर उसमें हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो सब तो नहीं करते हैं। तो ये नॉट फिट आपका कैरेक्टराइस्टिक जो है, इट इज़ नॉट फिट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का सेंस जो है यहाँ पे क्लासिफाई करने का, उसको डिफ्रेंशिएट करने का, या उसको अलग अलग ग्रुपिंग करने का, वो सेंस तो आ नहीं रहा है। मतलब ये आपका डी वाला नहीं आएगा। सीज्ड, अब सीज को देखो, सीब मतलब रोकना, ब्लॉक कर देना, बंद कर देना। वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैव सीज्ड थ्रू आउट, भाई इसका मतलब है कि जो वॉर और जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरीके से बिल्कुल बैन कर दिए गए हैं पूरी हिस्ट्री में वर्ल्ड की। तो ये तो सेंस ही नहीं आ रहा ना भाई, बैन क्यों कर दिए गए, है ना। बैन कोई किसी के कंट्रोल में तो होते नहीं है वॉर्स, है ना, कि वो बस ट्रिगर दबाओ कि कोई वॉर नहीं करेगा। तो ये सीज भी खत्म, क्या हो रहा है हमारा परफेक्ट, सी वाला हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि परसिस्टेड दोस्तों, परसिस्टेड आएगा, परसिस्टेड एकदम हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि परसिस्टेड का मतलब है कि ये कंटिन्यूड है, चलता आ रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता था, लेकिन कंटिन्यूड हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है, इस कारण से इसको हमने ऑप्शन में नहीं लिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हमारे, हैज डैश टू इम्पोज, क्या इम्पोज करने का उन्होंने किया फैसला, या जो भी है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स। रिटेलिएशन क्या होता है? देखो रिटेलिएशन जो एक्टिविटी होती है वो कब होती है, जब रिस्पॉन्स के फॉर्म में, रिटेलिएट मतलब टू रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स के सेंस में आपका आ रहा है रिटेलिएटरी। आप लोग इसे मिलिट्री में सुनते हो कि इंडिया हैज़ टेकन अ रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट
दी अगेंस्ट दी पाकिस्तानी आर्मी, तो अगर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई गोला बारूद या कुछ ऐसा आ रहा है तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो क्या करती है, रिटेलिएशन करती है, वो उसका जवाब देती है। तो यहाँ पर उसी सेंस में आ रहा है कि आप देखो कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है ये माहिर है जवाब देने में, ये क्या करते हैं कि दे हैव ट्रंप हैज, अब देखो ट्रंप साहब अकेले हैं, ठीक है, तो ट्रंप साहब अकेले हैं तो उसके साथ हैज लग गया, क्या लग गया, हैज लग गया। अब ये हैज लग गया मतलब ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है आपका, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर हैज आया तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, तो वो तो आ गया। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म टू इम्पोज, उन्होंने क्या करा, रिटेलिएटरी टैरिफ्स, टैरिफ का आप सीधे से आप समझ सकते हो कि टैरिफ मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, जो हमारे गुड्स जो हम लोग अमेरिका में सेल करते हैं तो उस पर इन्होंने क्या करा ट्रंप साहब ने, और टैरिफ लगा दिया, ठीक है, इंडियन गुड्स पे, इफ वी डू नॉट डैश अवर ड्यूटीज ऑन अमेरिकन एक्सपोर्ट। दोस्तों इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है कि यदि मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कर दिया टू इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ, ये टैरिफ वो लगा देंगे वो इंडियन गुड्स पे यदि हम हमारी जो ड्यूटीज हैं उनको क्या नहीं करेंगे अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर, मतलब जो अमेरिका से हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं उन पे जो हम ड्यूटीज, ड्यूटी का मतलब होता है यहाँ पे ड्यूटी भी आपका क्या हो गया, टैक्स हो गया, और ये जो टैरिफ भी है ये भी आपका किस सेंस में हो गया, टैक्स में ही हो गया। तो कहने का मतलब ट्रंप साहब का कहना है कि यदि इंडियन गवर्नमेंट जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडिया में अगर वो टैक्स फ्री नहीं करेगी या टैक्स कम नहीं करेगी तो हम लोग भी अपना टैक्स बढ़ा देंगे फिर, ठीक, मीनिंग समझ में आया, तो इस तरह से, और उनकी तो आदत है इस तरह की चीजें कहना। चलिए लेकिन आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डैश, तो देखो क्या क्या पता चल रहा है हमको, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है, पहली इंफॉर्मेशन इस ब्लैंक के बारे में पता चल रही है कि ये क्या है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, क्योंकि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एक इंफॉर्मेशन ये। दूसरी हम पता करो क्या है, वो वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ऑब्वियसली वर्ब ही है। दूसरा फिर ये देखो कि पॉजिटिव सेंस में कि नेगेटिव सेंस में, तो देखो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने has dash to impose retaliatory has, उन्होंने जो भी एक्शन लिया तो उन्होंने सीधी सी बात है कि ये एक नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में या नाराजगी के अंदाज में या इस तरीके से उन्होंने बताया, कोई अच्छी न्यूज़ तो है नहीं ये, तो एक आपका नेगेटिव सेंस में ये वर्ब आ जाएगा, ठीक है, कौन से सेंस में, नेगेटिव में। चलिए अगला देख लेते हैं, इंडियन गुड्स पे, इफ वी डू नॉट, अगर हम क्या नहीं करेंगे हमारी ड्यूटीज को, ड्यूटी मतलब हमारे टैक्सेस को हम क्या नहीं करेंगे, तो देखो क्या होता है, अगर हम हमारे टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, हम हमारी ड्यूटीज इंक्रीज ऊपर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ये टर्म्स ऑफ जो है ये भी क्या करेंगे, ये भी उसको उनका टैरिफ बढ़ा देंगे, वहां का टैक्स बढ़ा देंगे, मतलब यहां हमको वो क्या चाहते हैं ट्रंप साहब कि हम हमारी ड्यूटीज को कम करें, क्या करें, हमारी ड्यूटीज को कम करें, मतलब ये यहाँ का जो सेंस है वो क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव सेंस आ रहा है, ठीक है ना, इफ वी डू नॉट डैश अवर ड्यूटीज, अच्छा क्या आएगा ये भी देखो, वी डू नॉट डैश अवर ड्यूटीज, तो ये क्या है, अवर ड्यूटी, अवर ड्यूटी आपका क्या है दोस्तों, नाउन है भाई, अवर ड्यूटी नाउन है, तो उससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है सर, क्या आता है, एडजेक्टिव, बस ये दो तीन इंफॉर्मेशन पता कर लो दोस्तों ब्लैंक की, बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला वर्ड सही है। देखो कितना बिल्कुल सेंस पकड़ो उसका, जो जो मीनिंग है पूरे सेंटेंस का या उसका क्या सेंस आ रहा है, वो पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि नेगेटिव सेंस आ रहा है, भाई नीचे जा रहा है ना, ड्यूटी कम करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। और देखो नाउन के पहले कभी भी कोई वर्ड होता है तो जनरली वो क्या होता है, या नाउन को क्वालिफाई करेगा ना ये, देखो डू नॉट या तो इंक्रीज ड्यूटी होगा या डिक्रीज ड्यूटी होगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, अब भाई नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं, पहला हमारा इंफॉर्मेशन है वर्ब का थर्ड फॉर्म और नेगेटिव, फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं एग्जामिन, देखो एग्जामिन का मतलब होता है टू चेक, यहां पे एग्जामिन का मतलब क्या है, टू चेक,
ठीक है, स्क्रूटिनाइज या टू चेक, उसको पता करना, उसको खोज करना, टू चेक करना। तो ये क्या होगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज एग्जामिन, देखो दोस्तों क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है वी वन है, तो बिल्कुल तुरंत इसको कट कर दो, नी संकोच इसको कट कर दो, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट वाला देखो, थ्रेटन, थ्रेटन मतलब धमकी देना, ठीक है, तो ये तो उनकी आदत है ट्रंप साहब की, तो यहाँ पे थ्रेटन जो है वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है, ये क्राइटेरिया भी आपका हो गया। फिर उसके बाद थ्रेटन जो है आपका क्या है, आपका वर्ब भी है और नेगेटिव सेंस में ही है भाई, है ना, कोई धमकी देगा तो खुशी तो होगी नहीं, दर्दी होगा तो नेगेटिव सेंस में। चलिए ये फिट बैठ रहा है, आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन दोस्तों, टी आई ओ एन कहीं पे भी लगता है तो वो आपका नाउन बन जाता है, आपका एडजेक्टिव नहीं बनेगा, वैसे ही ये कट सी वाला कैंसिल, बिल्कुल मत सोचो कट करो, टाइम कम होता है फिलर्स में, ट्रिक्स से बहुत आसानी से दोस्तों आप लोग पकड़ सकते हो क्या आपका फिलअप होगा। यहाँ पर आप देखो रिएक्टेड में वी का कौन सा फॉर्म है, वी का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, रिएक्ट किया उन्होंने, और रिएक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में आ सकता है, तो हम लोग नेगेटिव में भी देख सकते हैं, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, बोथ बी एंड डी, तो बी एंड डी हमारा अभी डी क्लियर नहीं है, तो देखो क्या इससे हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन से हमने क्या करा, दो चीज को बिल्कुल कैंसिल कर दिया, किस किस को कर दिया, एक तो ए वाला सेक्शन हमारा हट गया, दूसरा सी वाला हमारा हट गया, अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बाकी है, ए हो गया, सी हट गया, बी डी और ई, तीन ऑप्शन में से देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले ब्लैंक की तरफ, देखो आप, तो इफ वी डू नॉट डैश अवर ड्यूटीज, तो देखो क्या बात हो रही है, अगर हम हमारी ड्यूटीज को, जाहिर सी बात है यार कि अगर हम हमारी ड्यूटी बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, तो सामने वाला जो है वो तो हमसे उम्मीद कर नहीं रहा है, वो है ना, वो यही चाह रहा है कि अगर आप आपकी ड्यूटीज कम नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, तो फिर हम हमारा टैक्स इम्पोज कर देंगे, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होने की बात हो रही है ना, और नेगेटिव की बात हो रही है, तो नेगेटिव और एडजेक्टिव, चलो मान लो आपको मीनिंग भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो भी ये दो चीज आपने अगर पकड़ कर ली, क्या एक तो नेगेटिव है और दूसरा एडजेक्टिव है, तो हम लोग देखते हैं, तो देखो फाइनेंस, अब फाइनेंस जो है दोस्तों आपका एडजेक्टिव तो नहीं है भाई, फाइनेंस तो आपका नाउन होता है, ठीक है, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी, मनी के फॉर्म में, ठीक है, या फिर अच्छा अगर मान लो ये वर्ब की तरह भी होता है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट वाला फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस का मतलब सपोर्ट भी होता है, टू फाइनेंस समवन मतलब टू मॉनिटरी हेल्प समवन, किसी की मदद करना पैसे के रूप में, तो ये वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट, हमको चाहिए थर्ड फॉर्म, और वैसे भी हमने इसको तो कट कर दिया, छोड़ो, ये देखो लोअर, लोअर जो है देखो लोअर आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, लोअर लेवल, अपर लेवल, लोअर ड्यूटीज, तो ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, और आपका जो है कम करना लोअर है, तो आपका ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस का भी है, बिल्कुल अभी तक ये आपका बी वाला आंसर सही आ रहा है। अगला देखते हैं इंक्रीज, भाई बड़ी इंक्रीज, मैंने क्या बताया था कि ड्यूटीज को इंक्रीज तो करना नहीं है, क्योंकि इंक्रीज मतलब वैसे भी पॉजिटिव सेंस में होता है, चलो ये तो वैसे ही कट गया हमारा। फिर देखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन देखो रिडक्शन हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, क्या होता, नहीं रिडक्शन क्या है आपका, देखो ना रिडक्शन आपका नाउन फॉर्म है, टी आई ओ एन लगा मतलब क्या है भाई, नाउन फॉर्म है, हटाओ इसको भी, ये भी गया, डी वाला कैंसिल, अब ये ऑप्शन देखो बी एंड डी, तो डी हमने वैसे ही कट कर दिया, मतलब ये भी आपका कैंसिल, बी वाला आपका दोस्तों एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, थ्रेटेंड और लोअर, देखो पढ़ने में भी आ रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रेटेंड, डराया उन्होंने क्या, टू इम्पोज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, रिटेलियोटरी टैरिफ्स, हम क्या करेंगे कि एक टैरिफ्स एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ऑन इंडियन गुड्स के ऊपर, इफ यदि, किस कंडीशन में, यदि वी डू नॉट, वी मतलब हम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, लोअर, कम नहीं करेगी, किसको, आवर ड्यूटीज, यदि हम हमारी ड्यूटीज अमेरिकन गुड्स पे कम नहीं करेंगे, तो क्लियर है दोस्तों, आ रहा है समझ में, बिल्कुल क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16th वाला, डिलेड मानसून, देखो ध्यान से, डिलेड मतलब लेट मानसून, यहाँ पे डिलेड का मतलब होता है लेट हुआ मानसून,
ठीक है, अगर मॉनसून टाइम पे नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, डिलेड मॉनसून। ठीक है, प्रेसिडेड बाय, देखो दोस्तों प्रेसिडेड का मतलब होता है उससे भी पहले, है ना, उससे भी पहले, बिफोर, मतलब एक तो ये कि डिलेड मॉनसून हुआ, मान लो मौसम जो है वो क्या हुआ, समय पे जो है वर्षा नहीं आई, डिलेड हुआ, उसके प्रिसीडेड मतलब उसके पिछले वर्ष क्या हुआ था, उससे पीछे क्या हुआ था, अ डैश मॉनसून लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर भी दिया है तो डैश मॉनसून लास्ट ईयर, एंड देखो आगे, एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, डिप्लीटिंग मतलब कम होता हुआ, है ना, डिक्रीजिंग, डिप्लीटिंग मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग, डिक्रीज ऑर्डर में आ रहा है, कम होता, देखो दोस्तों डिलेड लेट है तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक, यहाँ पे फिर कॉमा लगा हुआ है तो प्रिसीडिंग पीछे की बात हो रही है, तो जब ये देखो कॉमा जब भी हम लगाते हैं मतलब हम सेम टाइप के सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेम वेटेज वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखो डिलेड नेगेटिव सेंस का, इधर डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग मतलब गिरता हुआ पानी, कम होता हुआ, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ तो बता नहीं रहे वो, भाई किसकी बात हो रही है कि मानसून जो है अभी भी इस वर्ष भी खराब हुआ, पिछले वर्ष भी खराब ही हुआ होगा, है ना, और जो वाटर टेबल है वो भी कम होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा नेगेटिव सेंस में आ रहा है, किस सेंस में आ रहा है, नेगेटिव, देखो आप खुद ही देखो, अपना दिमाग लगाओ कि डिलेड मानसून हो गया, मानसून लेट हो गया, है ना, तो सीधी सी बात है लेट मानसून होगा तो क्या होगा भाई, हमारे किसान भाइयों को क्या होगा, फसल में नुकसान ही होगा ना, अगर बारिश टाइम पे नहीं होगी तो क्या होगा, कोई फायदा तो नहीं होगा, डांस तो नहीं करेंगे वो लोग, है ना, तो एक तरह से नेगेटिव है उनके लिए, बैड न्यूज है। प्रिसीडेड बाय, पिछले साल भी ऐसी कुछ घटना हुई, देखो मानसून लास्ट ईयर, तो ये भी नेगेटिव, और डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है, मतलब पूरा नेगेटिव नेगेटिव न्यूज चल रहा है, तो जब नेगेटिव चल रहा है तो लेवल हैव डैश द क्राइसिस। अब मुझे बताओ कि जब इतनी सारी जो परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियां है, तो उससे क्राइसिस मतलब जो तकलीफें हैं, जो है ना तकलीफें हैं, वो क्या होगी, वो तो बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो हैव डैश द क्राइसिस मतलब उसको बढ़ाना, इंक्रीज द क्राइसिस, है ना, ये अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस का है लेकिन ओवरऑल तो नेगेटिव ही मीनिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें एक मिनट, हैज डैश दी, सीधी सी बात है क्राइसिस को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो चलो कौन से सेंस का है, ये पॉजिटिव सेंस का है भाई, क्राइसिस को क्या करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल है डैश दी क्राइसिस, क्राइसिस तो बढ़ाएगा ना, मतलब ये सारे जो न्यूज है आपके, एक तो मानसून लेट हो रहा है, पिछले वर्ष भी पानी ठीक से नहीं गिरा था, उसके बाद आपका जो है पानी का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम होता जा रहा है, तो उसके कारण क्राइसिस जो है, मुसीबतें जो है, परेशानियां जो है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंस का है। और देखो हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है ये, यहाँ क्या होना चाहिए, प्रेसिडेड बाय अ डैश मॉनसून, देखो दोस्तों मॉनसून है तो मॉनसून आपका क्या है, नाउन है, अब मॉनसून नाउन है मतलब ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब हम लोग, देखो यहां पॉजिटिव, आप इसको ऐसे देखो कि यहां पे सेंस जो है वो तो नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, सिचुएशन जो है भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि बिल्कुल सेंस नेगेटिव आ रहा है, बट वर्ड ऐसा कुछ होगा कि ये समझो कि इसको बढ़ावा देने वाला होगा, ना सेंस पॉजिटिव नहीं होगा ओवरऑल, भाई वो भी बैड न्यूज ही होगी ना, जब आपका क्राइसिस बढ़ रहा है तो कोई खुशी तो होगी नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव हटा दो यार, है ना, जले पे नमक क्यों डालना। ठीक है ना, चलो तो ये देखो फर्स्ट है हमारा डेफिशियंट, डेफिशियंट का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी, ठीक है, कमी होना, तो डिलेड मॉनसून प्रेसिडेड बाय अ डेफिशिएंट मॉनसून, कमी है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस का है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंस का, और डेफिशिएंट लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव बिल्कुल हो सकता है। अगला देख लेते हैं डेरोगेटरी, ठीक है ना, डेरोगेटरी का मतलब होता है आपका इंसल्टिंग, डेरोगेटरी का मतलब होता है एकदम इंसल्टिंग,
अब इंसल्टिंग मानसून, देखो इंसल्टिंग मानसून है मतलब क्या है, है तो नेगेटिव सेंस का, चलो ये भी हो सकता है अभी रेस में है, ठीक है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इधर देखो पुअर मानसून, पुअर मतलब यहाँ पे पुअर का मतलब है अच्छा मानसून नहीं होना, ठीक है तो नॉट रिच मानसून, नॉट गुड मानसून, तो ये भी हो सकता है भाई नेगेटिव सेंस का है, और पुअर मानसून तो ठीक है आपका एडजेक्टिव भी है, ये नेगेटिव है और ये आपका एडजेक्टिव भी है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं सरप्लस मानसून, काफ़ी मतलब काफ़ी मात्रा में जितना चाहिए इनफ उतना मानसून, वो तो है नहीं भाई मानसून की कमी हुई ना, तो सरप्लस तो मतलब इनफ होता है, मतलब ये तो आपका पॉजिटिव सेंस का हो गया, ठीक तो ये आपका कैंसल, मतलब डी वाला क्रॉस आउट कर दो। देखो एक ऑप्शन हमारा फिनिश। फिर टाइमली मानसून, समय पर मानसून, अब जब यार ये देखो कि यहाँ अपन बात कर रहे हैं एक तो डिलेड मानसून और पीछे फिर टाइमली, अच्छी बात क्यों करेंगे, सब वही बताएंगे ना, सारा कमियां ही बताएंगे ना कि एक तो अभी भी डिलेड मानसून, पिछले साल भी मानसून टाइम पे नहीं था, तो टाइमली नहीं होगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव सेंस का है, ये भी क्रॉस आउट। अब बचे हमारे एक दो तीन, ए बी सी तीन ऑप्शन। अब हम लोग सेकेंड वाले ब्लैंक की तरफ जाते हैं। देखो सेकेंड ब्लैंक में हमको क्या देखना था कि हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और वो भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ही होना चाहिए, क्राइसिस को बढ़ावा देने वाला हो है वो, वैसा होना चाहिए। देखो एग्जासर्बेटेड, ये वर्ड है एग्जासर्बेटेड, इसका मतलब है चीजों को और ज्यादा और भयावह कर देना, है ना, जो बद से बदतर कर देना, उसको वर्सन कर देना। एग्जासर्बेटेड का मतलब होता है वर्सन, वर्सन मतलब चीजें अगर खराब है तो उसको और खराब कर देना, ठीक है उसको बोलते हैं वर्सन। अब देखो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, एक तो मानसून डिले हुआ, ठीक है ना, दूसरा जो है पिछले साल भी आपका मानसून जो है लास्ट ईयर वो भी खराब रहा, और तीसरा जो है डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर भी आपका नीचे जा रहा है। अब ये तीन तीन ऐसी बुरे जो खबरें हैं उसके कारण क्या हुआ कि वो जो क्राइसिस था वो और ज्यादा बहुत ही भयावह हो गया, बहुत ही वर्सन हो गया। तो अभी तक आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है, देखो ये भी बराबर वीडी आ गया और ये आपका वर्ब भी है, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना, लग रहा है कि ये होगा। आगे देख लेते हैं, देखो प्रमोटेड द क्राइसिस, क्राइसिस को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, तो क्राइसिस को और प्रमोट किया है ना, बट ये क्या है आपका प्रमोटेड द क्राइसिस, मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है तो ये पॉजिटिव सेंस का अगर आप दोनों से कंपेयर करो तो कौन सा सही दिख रहा है भाई, प्रमोटेड वर्ड ज्यादा फिट लग रहा है कि एग्जैबरेटेड वर्ड से बद से बदतर कर दिया उसको, तो ये वर्ड ज्यादा फिट लग रहा है ना, तो अगर इन दोनों की बात करूं मैं तो ये आपका ये वाला सही है। ये देख लेते हैं आगे, ये देखो लुल्ड जो वर्ड होता है, लल्ड, लुल्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश कर देना, किसी को डिलाइट कर देना, किसी को डिलाइट कर देना, तो भाई ये इतनी खतरनाक जो स्थिति है तो सीधी सी बात है वो किसी को डिलाइट तो करेगा नहीं, तो ये आपका बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया, ठीक है ना, क्रॉस आउट हो गया। अब ए बी और ए में अगर हम देखें तो जो प्रमोटेड थोड़ा पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कोई भी नहीं चाहता है कि भाई कोई चाहते ही नहीं ना हम लोग कि ये प्रमोट हो, प्रमोट का मतलब एक तो आगे बढ़ाना भी होता है, दूसरा ये कि जानबूझ के आगे बढ़ाना, ठीक है इंटेंशनली उसको क्राइसिस को न्योता देना, तो वैसा तो कुछ सेंस आ नहीं रहा है, मतलब ये भी आपका रॉन्ग। और दोस्तों ए वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आप देखो डिलेड मानसून जो है उसने क्या करा, डिलेड मानसून जो है डिलेड मानसून प्रेसिडेड बाय डेफिशिएंट, ठीक है कम 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 वाटर, डेफिशिएंट मानसून लास्ट ईयर पिछले साल वो हुआ था, एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल हैव क्या करा उसने, एग्जासर्बेटेड द क्राइसिस। तो दोस्तों मैंने शुरू में कहा था भैया वोकैबलरी पे ध्यान दो आप लोग, ये फिलर्स पूरा आपकी वोकैबलरी पे डिपेंडेंट है, और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आगे के जो सेशंस हैं हमारे पूरे वोकैबलरी पे बेस्ड रहेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग वोकैबलरी करने वाले हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, बिल्कुल डटे रहिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द एडमिनिस्ट्रेशन डैश, एडमिनिस्ट्रेशन डैश द प्रोटेक्ट
दी प्रोटेस्टर बाय अग्रीइंग टू कंसिडर देयर डिमांड्स। देखो दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बाद क्या आने वाला है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन डैश द प्रोटेस्टर, उन्होंने उसको क्या किया, डैश द प्रोटेस्टर। एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब लगने वाला है। क्या लगने वाला है, वर्ब लगने वाला है, और वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म आपका डैश दी प्रोटेस्टर, उनको वो किया मतलब V2। आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, वर्ब का जो है दोस्तों आपका सेकेंड वाला फॉर्म लगने वाला है। दूसरी बात, इसमें आप एक चीज देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, उन्होंने क्या किया प्रोटेस्टर को, बाय अग्रीइंग टू देयर अग्रीइंग टू कंसिडर देयर डिमांड। देखो अग्री हो गए, आप ध्यान दो इस सेंस पर कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन जो है वो अग्री हो गया, वो राजी हो गया। किस काम के लिए राजी हो गया, वो राजी हो गया उनकी डिमांड्स मान ली, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टर थे, जिस चीज का वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी डिमांड मान ली गई। अब जब उनकी डिमांड मान ली गई, इसका क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन अग्री हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि उसने एक पॉजिटिव सेंस आ गया, भाई डिमांड अग्री हो गई, मतलब आपका वर्ब तो है, लेकिन ये कौन से सेंस का वर्ब है, आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ब है, ठीक दोस्तों। तो ये हमको पता चल गया कि एक तो पॉजिटिव सेंस का है और दूसरा जो है आपका ये वर्ब है, ठीक। अब एक का देखते हैं, फर्स्ट हमारा होता है एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड का मतलब है स्थिति और खराब हो जाना, गंभीर हो जाना, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। आप बोल सकते हो वर्सन, क्या बोल सकते हो, स्थिति वर्सन, वर्स हो जाना। ये कुछ पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक्सरबेटेड, इसका मतलब भी होता है खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, या फिर वर्सन, स्थिति जो है और ज्यादा जो है भयावह हो जाना, ठीक। फिर एक ये जो वर्ड है आपका रिससीटेटेड, कैसे पढ़ेंगे इसको, रिससीटेटेड, इसका मतलब होता है रिवाइव होना। रिससीटेटेड जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है रिवाइव होना या रिजुविनेट। क्या होता है इसका मीनिंग, रिवाइव या रिजुविनेट, रिवाइव होना या फिर रिजुविनेट होना, ठीक है, या फिर उसको वापस से उसको एक्टिवेट कर देना, एक तरह से आप बोलना है कि उनको बिल्कुल उनमें वापस से जोश भर देना, रिजुविनेट कर देना, ठीक है। या फिर वूड, वूड का मतलब होता है वूड का मतलब है इनको अप्रिशिएट कर देना, है ना, या फिर इसको लल्ट करके भी हम लोग बोल सकते हैं, या इनको खुश कर देना, खुश कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, खुश करना, भाई जाहिर सी बात है खुश करना, इसका क्या मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है ना, खुश कर देना पॉजिटिव सेंस का है। अब ये जो रिवाइव या रिजुविनेट कर देना, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का ही है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सासर्बेटेड, इसका मतलब भी स्थिति खराब करना, गंभीर कर देना। और एक होता है अपलिफ्ट, अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर उठाना, लिफ्ट कर देना, मतलब ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें अपलिफ्ट जो है आपका पॉजिटिव सेंस का है, लेकिन आपका जो रिससीविनेटेड जो वर्ड है वो भी पॉजिटिव सेंस का है। लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा कि ये दो तो देखो हमने कैंसिल आउट कर दिए, क्यों कर दिए कैंसिल आउट, आप ही बताओ मुझे क्यों कर दिए, क्योंकि सर हमको चाहिए पॉजिटिव और ये है नेगेटिव सेंस के, स्थिति वर्सन करना, खराब कर देना, ये AOD हमारा कंपटीशन से बाहर। अब बात कर लेते हैं BC और E का, इसमें हम देखते हैं कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन रिज्यूविनेट या रिवाइव द प्रोटेस्टर बाय अग्रीइंग टू कंसिडर देयर डिमांड। रिवाइव मतलब उनको वापस से जागरूक कर देना, उनको वापस से उत्साहित कर देना, एक तरह से ये मीनिंग आ रहा है, उनको रिवाइव कर देना प्रोटेस्टर को, या फिर उनको वापस से सचेत कर देना। तो ऐसा तो कोई मीनिंग इसमें आ नहीं रहा है, तो ये रिससीटेटेड जो है बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वूड कर देना, ये देखो द एडमिनिस्ट्रेशन वूड द प्रोटेस्टर, यहाँ पे वूड कर देना मतलब खुश कर देना, भाई हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो प्रोटेस्टर को खुश किया बाय अग्रीइंग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, उनकी जो डिमांड थी उसको मान लिया, उसको अग्री कर लिया, इसका क्या मतलब है कि वूट कर दिया, लर्न कर दिया, ठीक है, उसको उनको हेल्प कर दिया, ठीक। अब मतलब ये समझ में आ रहा है हमको कि ये हो सकता है,
कौन सा हो सकता है दोस्तों? सी वाला हो सकता है, लेकिन उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा अपलिफ्टेड, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन अपलिफ्टेड द पो, देखो अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठाना, ठीक है। अपलिफ्ट, लिफ्ट जो वर्ड है वो किसी फिजिकल मूवमेंट से है, फिजिकली ऊपर की ओर उठाने से है, होता है अपलिफ्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनको कोई ऐसा हवा में उछाल के इस तरीके से तो उन्होंने ट्रीट नहीं किया होगा एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये जो है आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया, और हमारा जो करेक्ट वाला है वो क्या है? सी वाला दोस्तों करेक्ट है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बूड, ठीक है। बूड मतलब बिल्कुल उनको एनर्जाइज कर देना, खुश कर देना, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल डैश, कि देयर आर सम क्वेश्चंस मतलब कुछ यहां पे जो अच्छा देखो, एक ये इस क्वेश्चन का पैटर्न आप देखो, इसके अंदर दो ऑप्शन है आपका, ठीक है, ए और बी ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल डैश, और सेकेंड हमारा है टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर डैश बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर डैश बिफोर यूजिंग इट। देखो इनमें क्या होता है, ए और बी दोनों में सेम को आना चाहिए। मतलब अगर टेस्ट यहां पे लिखा आपने तो देर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द एप्लीकेंट मेंटल टेस्ट, ठीक है, और यहां पर भी टेस्ट आना चाहिए, टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर टेस्ट बिफोर यूजिंग इट, या फिर फ्लेक्सिबल यूज किया तो दोनों जगह फ्लेक्सिबल आना चाहिए, स्टेबिलिटी करा तो मेंटल स्टेबिलिटी, यहां पे भी स्टेबिलिटी आना चाहिए, स्किल्स किया तो मेंटल स्किल्स, और यहां पर भी, मतलब एक ही वर्ड जो है दोनों ए और बी में दोनों में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस ब्लैंक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे आप देखो कि देर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल डैश, तो ये मेंटल क्या, मेंटल जाहिर सी बात है ये मेंटल तो उसका वो हो गया एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहां पे कोई ना कोई नाउन आएगा दोस्तों। क्या आने वाला है यहाँ पे? नाउन आने वाला है, ठीक है। यहां देख लेते हैं टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर डैश, किसके लिए टेस्ट करना है? किसी नाउन के लिए टेस्ट करना है, मतलब दोनों जगह आपका क्या आने वाला है? आपका नाउन आने वाला है, ठीक है। अब देयर आर सम क्वेश्चंस, एक कुछ प्रश्न है, ठीक है, किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं? कि वो जो एप्लीकेंट है उसका जो मेंटल एबिलिटी है या फिर उसका मेंटल जो स्टेटस है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह। चलो एक एक करके, तो मेंटल टेस्ट, तो यहां पे मेंटल और उसके साथ टेस्ट, ये तो आपका बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है, ठीक है। टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर टेस्ट बिफोर प्लेटफॉर्म फॉर टेस्ट, तो फॉर टेस्ट, देखो प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना है फॉर टेस्ट के लिए बिफोर यूजिंग, है ना, तो ये बिल्कुल टेस्ट फॉर टेस्ट बिल्कुल फिट नहीं हो रहा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल दोस्तों क्या है? फ्लेक्सिबल आपका एडजेक्टिव है, भाई होता है ना फ्लेक्सिबल सिचुएशन, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट, तो फ्लेक्सिबल क्या है आपका, है ना, दिस आप बोलोगे कि दिस स्केल इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो ये स्केल कैसी है? ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल है इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर एडजेक्टिव हो गया बट हमको क्या चाहिए? नाउन चाहिए, बिल्कुल कट कर दो, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा कट, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी, देर आर सम क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी क्या है आपका? एक तो नाउन है, ठीक है, और यहां पे फिट भी हो रहा है। देखो मेंटल स्टेबिलिटी, कुछ तो प्रश्न चिन्ह उठता है इस एप्लीकेंट के जो दिमागी स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, इसकी स्थिरता जो है दिमागी उसके बारे में कुछ तो प्रश्न चिन्ह उठता है, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर स्टेबिलिटी बिफोर यूजिंग इट। अब यहां पे प्लेटफॉर्म का मतलब है कोई भी एक, जैसे प्लेटफॉर्म एक यू कैन स्टेज हो सकता है, या फिर जहां पे आप कुछ ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जहां पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, है ना, तो उसको क्या करना है? अपने को टेस्ट करना है फॉर क्या? स्टेबिलिटी। किसके लिए टेस्ट करना है भाई? किस चीज का उसका टेस्ट करना है? प्लेटफॉर्म का, उसकी स्टेबिलिटी का टेस्ट करना है, ठीक है, कि वो स्थिर है कि नहीं है बिफोर यूजिंग इट, उसको यूज करने से पहले। तो ये बिल्कुल दोनों में फिट हो रहा है, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया में हमारा स्टेबिलिटी आ रहा है। लेकिन हम उससे पहले इसका भी देख लेते हैं स्किल्स। दोस्तों स्किल्स का क्या होगा कि देर आर सम क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल स्किल। अब यहां पे देखो मेंटल जब वर्ड आया
तो उसके साथ स्किल्स नहीं लगेगी, क्योंकि मेंटल स्किल्स कुछ नहीं होता है, मेंटल एबिलिटी होता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी ठीक है, स्किल्स अपने आप में जो है वो मेंटली उसमें मेंटल एक्टिविटी ऑलरेडी एडेड होती है, तभी तो वो स्किल्स कहलाती है। तो ये याद रखना, मेंटल और स्किल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा ये देख लेते हैं, टेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्स। भाई प्लेटफॉर्म क्या है? फिजिकल थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए कौन सी स्किल लगेगी? तो ये दोनों क्राइटेरिया में आपका स्किल जो है एकदम फिट नहीं बैठ रहा है, हालांकि आपका ये क्या है? नाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरेबिलिटी। देखो ड्यूरेबिलिटी भी आपका नाउन है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी नाउन है और आपका ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी आपका नाउन है दोस्तों। लेकिन यहां पे देखते हैं कि देर आर सम क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ तो प्रश्न चिन्ह है अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल ड्यूरेबिलिटी। देखो ड्यूरेबिलिटी जो है वो जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, वेदर इट इज ड्यूरेबल और नॉट ड्यूरेबल, है ना। तो सो मेनी मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर ड्यूरेबल, जो प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या प्लास्टिक डोर्स आर मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू वुडन डोर्स, लकड़ी से बने उससे ज्यादा क्या ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग रनिंग होते हैं। तो ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी हम लोग नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेंट्स मेंटल ड्यूरेबिलिटी, मेंटल जो है उसके लिए ड्यूरेबिलिटी नहीं आएगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। मतलब हमारा जो है सी वाला दोस्तों जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।